Namo lui Sauriyantanam, Namo lui Sauridanam, Namo lui Sauvairiyam, Namo lui Saujayanam, Namo lui Sautridavati Savanam, Omkara Mindu Sanyukta Nityam Jayanti Yogina, Kamadam Okshadam Che Omkarai Namo Namo, Manganam Bhagavani Romaganam Gautamovi, Manganam Kunkundari Ujendram Osumanganam Namasamari Sarai, Svanubhutya Chakasti Chitsohai Bhavaya Sarvama, Kripao Niyusani Dhatashi. Jumarishmi Sarasana? Relasă de fier. Shud jivasikai efectul sundalia yasang pradeshi asti kai kai hai. Atma ka asang pradeshi gnan kai hai. Aisi baat sarvagna shivai koye jani nahi koye kahi nahi. E mate jiv ne am kata jivasti kai. E sasandalia. Shud jiv rag ne vikalp se rahit. Prabhu shud jiv asti kai. Andar asang padeshi samu. E gărbără e ne asang pădeșni. Vidyanam zică ce asang pădeșni nahi. Akhan pădeșni se. Vedanta nisaili lai jai ce. Asang pădeșni. Surtale shakti mai mi ce. Aisi shakti ki nitya kriya. Je nitya pădeșni ce asang pădeșni nitya hai. Surtale shakti mai sa lia hai. Nitya pradesh asank hai. E sarvagna shivaya, vitarag shivaya, koye nita nahi. E asank pradesh mein ananta anandadi guna ka kshetra hai. Ek pradesh hi kshetra nahi. Sata e asank pradesh ko bhi ek nyaye panchasti kai maan एक प्रदेश कहा है क्योंकि खंड नहीं अखंड असंग प्रदेश है. प्रदेश निठ आनंद गुण है यथि शूद जीव अस्थि का है. शूद जीव अस्थि है समूह असंग प्रदेश ही समूह प्रभु भगवान आत्मा निर्मलानंद प्रभु विराजते हैं अनादि अनंत. ये 24 परिग्रह के परित्याग स्वरूप होने से उसमें तो अभ्यंतर में मिथ्या नीचे आया था. मिथ्या चार कषाय और नौ कषाय सब प्रकार का अभ्यंतर परिग्रह नहीं. अनेक क्षेत्र मकान चांदी सोना धन धान दासी दास वस्त्र वर्तन वासन ऐसी 10 प्रकार का परिग्रह 24 प्रकार का परिग्रह. ये भगवान आत्मा में है नहीं ये तो अमृतमय सागर भगवान अतीन्द्रिय अमृत ने अतीन्द्रिय वितरागनी मूर्ति प्रभु उसमें परिग्रह का अभाव है होने से निग्रंथ है. निग्रंथ दशा प्राप्त करनी ये दूसरी चीज है. अब आत्माएं निग्रंथ है. निग्रंथ है तो निग्रंथ दशा प्रकट होती है. मुक्त है तो मुक्त दशा प्रकट होती है. ऐसे ही आचार्य प्रभु कहते हैं कि आत्मा वस्तु निग्रंथ है. वस्तु में कोई विकल्प का अवकाश नहीं. राग का दया का महाव्रत का कोई विकल्प का अवकाश नहीं. ऐसा यह आत्मा निग्रंथ है.
24 परिग्रह से रही निग्रंथ है। हा धन धान क्षेत्र आदि कि मिथ्या के क्रोध मान आदि उसमें है नहीं। इन पर्याय में अज्ञानी अनादि से मान रखा है। अंतर में देखो तो प्रभु शुद्ध जीवासी का ये 24 परिग्रह के परित्याग स्वरूप होने से परित्याग इतना त्याग किया नहीं। परि उत्सर्ग लिया है सर्वथा प्रकार त्याग उसमें कोई परिग्रह की गंध नहीं राग के द्वेष का अंश नहीं। उसे यह परित्याग स्वरूप होने से निग्रंथ कहने में आया है। सकर्म और आग्वेषात्मक चेतन कर्म के अभाव के देखो भाषा चेतन कर्म है। राग ने द्वेष दया ने दान कामना क्रोध ये चेतन का कार्य है। विकारीपन चेतन के पर्याय है। ये चेतन के कर्म के अभाव के कारण भगवान आत्मा में चेतन का विकारी कार्य का अभाव होने से निराग है। एक एक शब्द में आत्मा सारा आत्मा की स्थिति पूर्ण क्या है बताते हैं। यानी पूर्णानंद का नाथ उसके अनुभूति ने अनुभव करना यही सम्यक दर्शन है। यहां से तो धर्म ने पहली प्रारंभता शुरू होती है। ये कारण यहां कहा कि तो निग्रंथ है उसमें कोई ग्रंथ है नहीं और वो वैरागी है निराग है निराग होया को उसमें कोई चैतन्य का विकारी परिणाम प्रभु चैतन्य का द्रव्य में है नहीं। अनुभूति करना सारा बारंग का सार पा है। बारंग में भी ये कहा है बारंग है विकल्प कौष्टिका में लिया है पर उसमें कहा है अनुभूति रू तेरी चीज है निराग ने निग्रंथ उसका अनुभव करना वही धर्मनी पहली सीटी अने शुरुआत कहवामां आवे छे। हाँ कहवामां आवे हैं ये निदान रा माया मिथ्या किन सन्नों के अभाव के कारण प्रभु में मिथ्या सन नहीं माया सन नहीं। मने माया निदान अने मिथ्या तीनों सन रही प्रभु अंदर है जिसमें सद का स्पर्श नहीं ऐसे भगवान अंदर परमात्मा विराजते हैं उसके अनुभव दृष्टि करो। व्यवहार होता है पर व्यवहार से अनुभूति होती नहीं। व्यवहार तो वाणी आदि सब व्यवहार है। अरे गुण भेद से समझा समझाना ये भी व्यवहार है पर व्यवहार होने पर भी उससे ही अनुभव में नहीं आती है चीज। ये चीज तो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ये चैतन्य कर्म के अभाव के काम निराग और तृण संशय रहित कारण निषग्न है। मुनि
को निषण वृत्ति कहा है। तत्वार सूत्र में वृत्ति श्लोक ये मुनि निसंजो वृत्ति ऐसा सूत्र है तत्वार सूत्र में। तो आए तो कैसे कि वस्तु में इतनी सलह नहीं वस्तु में सद है नहीं तो वस्तु का अनुभव न सन्मुख हुआ तो पर्याय में सद नहीं। इसको निसल्य वृत्ति संत कहने में आता है। जैन दर्शन का संत जैन दर्शन कोई संप्रदाय नहीं कोई पक्ष वाड़ो नहीं। ये अनंत आत्मा ने अनंत परमाणु आदि जे छह द्रव्य है ऐसा भगवान ने देखा ऐसा कहा ने ऐसा सार बताया। तो वस्तु की स्थिति बताते हैं प्रभु तेरा आत्मा ऐसा है हम कहते हैं देखो शुद्ध निश्चय नहीं से शुद्ध जीवासी का एक जो लिया शुद्ध निश्चय अभेद दृष्टि करने से भेदपण का लक्ष्य छोड़ना अभेद दृष्टि करना ये शुद्ध नहीं है। ये शुद्ध जीवासी का एक द्रव्य कर्म नहीं आठ कर्म है नहीं हम बोलने में तेता हुआ है न प्रभु ज्ञानावरणी दर्शनावरणी ज्ञान ने ज्ञानावरणीय आवरण किया दर्शन ने दर्शनावरणीय आवरण ये निमित्त से कथन सब है वस्तु का स्वरूप में ये है नहीं। भगवान अंदर आठ कर्म से रहित है और भाव कर्म से रहित है। पुण्य पाप का शुभ शुभ भाव जिससे तीर्थंकर उत्तर बंधे इससे भाव से पर प्रभु तो रहित है। ये मलिन ना अंश निर्मलानंद आत्मा है नहीं निर्मल नाथ है प्रभु तू। आचार्य हुई जगत ने भगवान तरीके बुलाया छे भगवान मोती गाथा में तीन बार भगवान कहा है अमृतचंद्र आचार्य भगवान तेरे में पुण्य पाप है न प्रभु तुम तो भगवान है ना तो रहित है तो रहित हो जा द्रव शुभाशुभ भाव से भगवान तुम रहित है तो रहित हो जा तेरी मानता है सन नहीं है मानता है घर खजा है। मैं राग हूं मैं पुण्य हूं मैं पुण्य की क्रिया का करता हूं ये सब मिथ्या का सल अभ्यास अनादि का पर्याय में होने से भगवान भाव कर्म से रहित दिखते नहीं। अंदर में भाव कर्म से रहित और नौ कर्म शरीर वाणी मन अभाव होने के कारण सर्वदोष विमुक्त है सर्वदोष विमुक्त प्रभु अंदर है। शुद्ध निश्चय नहीं से निज परम तत्व की भी वांछा न होने से भगवान प्रभु आत्मा ऐसा है कि निज तत्व मेरे मिले ऐसी वांछा रहित ही चीज है। है निज परम तत्व की भी वांछा न होने से निज परम तत्व एक ही वांछा उसका प्रभु में अभाव है।
ગજબ કામ છે ને. આવો પ્રભુ, એક પૈસા મેં, એક આબરૂ મેં, કે ભોગ મેં, ભવના કારણ સેવનમાં રોકાઈ જાય. ભવને ભોગ સે રહી, ભવને ભોગ સે રહી પ્રભુ, ભવના કારણમાં રોગ જાય છે પ્રભુ. તેરે પરિભ્રમણ મિટતા નહીં, તેરે મે પરિભ્રમણ કા કારણ હે નહીં ને નાથ. કહેતી હા ને, પરમ તત્વ કી વાંસા એ નહીં તેરે મે. હા 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 હા, ઈચ્છા કા તો અભાવ હૈ, મોક્ષ કી ઈચ્છા તો નહીં, મોક્ષ તો પર્યાય હૈ, અહીં તો પરમ તત્વ કી આ હૈ. નિજ પરમ તત્વ, અપના જો નિજ પરમ સ્વરૂપ ભગવાન, ઉસકો તે નિજ તત્વ કી વાંછા ભી નહીં હૈ. વાંછા તો રાગ હૈ. હા હા હા, એકાંત લાગે પ્રભુ, નીચે 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 લાગ્યા, એકાંત લાગે, વ્યવહાર હોતા હૈ, પણ વો કોઈ લાભદાયક નહીં. વ્યવહાર સબ હે હૈ. 50મી ગાથા મેં કહેગા, 50મી, અપને સિવાય સબ પરદ્રવ્ય હૈ, પરભાવ હૈ, યે હૈ. સમજમાં આયા? 50મી ગાથા જો, પૂર્વતમ સયળ ભાવા, 50મી ગાથા. પૂર્વ ઉત્તમ સયળ ભાવા, પૂર્વે કયા એ સકળ ભાવો ઉદયાદિ પરદ્રવ્ય હૈ. આ હા હા હા, એ પરસ્વભાવ હૈ. પરસ્વભાવ યદિ હેયમ, આ હા હા, અપના આત્મા સિવાય કોઈ પણ પર્યાય કે આય તો ઇસકો પરદ્રવ કહ્યા, ઓર પર સહાવ કહેકર હે કહા. સર્ગદવંગ ઉપાધેયમ, એક સ્વદ્રવી ઉપાધિ હૈ. આ હા હા હા, સંવર ને નિદ્રા ને મોક્ષ ને પર્યાય હૈ, ઉસકી વાત ના દિયા. સ્વદવ ઉપાધિ હું, સ્વદ્રવી આંદરણીય હૈ. ત્રિકાળી ચૈતન રસ કા કંદ પ્રભુ, સ્વદવ ઉપાધિયમ અંતર તત્વ હવે અપા. એ અંતર તત્વ જે શુદ્ધ અખંડાનંદ પૂર્ણ તત્વ કી પણ વાંછા જિસમે નહીં, એસા પૂર્ણ તત્વ જે અંતર તત્વ હૈ, એ આત્મા ઓર એ જ ઉપાધિ હૈ. વ્યવહાર ના રસીલા ને આંકડો માગી, પણ ત્યાં તો વ્યવહાર ની ગંધી નહીં હૈ કે, ક્યુકે ઉસમે સે છૂટ જાતા હૈ, ઉસકી ચીજ હોય તો છૂટે કહાં સે. ઉસકા જો સ્વભાવ જ્ઞાન દર્શન આનંદ હૈ, અનંત 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 ગુણ કી સંખ્યા અનંત, અને એક એક ગુણ કા સામર્થ અનંત, એક એક ગુણ મે પ્રભુતા અનંતી. પ્રભુત્વ નામ ના એક ગુણ હૈ ઉસમે, અને એ ગુણ સર્વગુણ મે ઉસકા રૂપ હૈ. આનંદ ગુણ સબ પ્રભુ રૂપ હૈ, એસા ભગવાન આત્મા એ ઉપાધિ એક હૈ. બાકી પરદ્રવ્યમ સબ વિકલ્પ સે માંડી ને પરદ્રવ્ય સબ, પરદ્રવ્યમ પરસહવમ, એ પરસ્વભાવ હૈ.
और यदि कुमकुमाचार अपनी भावना मां से माटी बनाया, उसमें ऐसी बात आ गई, दुनिया ना भाग्य के पुष्प ऐसा रह गया। आए तो राग आदि भी कर लो तो ठीक, पर पर्याय को परद्रव कहा प्रभु। आ 50 में तो परद्रव पर सहावम एम, पर्याय भी परद्रव ने पर स्वभाव एम, सग दबंग उपाधि एम है, अंदर वर्ष में है। पूर्वोक्त सर्वभाव पर स्वभाव परद्रव है, इसीलिए ये है अंत तत्व ऐसा सुदृढ़ आत्मा उपाधि है। पचासवीं का थमा आखिर सार मा सार ले लिया है, 49 है, 50 चाली थी, मौत चाली थी, 49 में व्यवहार लिया, 50 में कह दिया कि सब व्यवहार परद्रव है। ये विकल्प उठते हैं दयादान का ये परद्रव है, ये तो है पर पर्याय परद्रव है। विकारी भगवान स्वद्रव के अर्थ से पर्याय को भी या परद्रव कहकर पर स्वभाव कहकर यही कहा है, तीन बोल लिया है, है? अरे बात है, साधारण मानस ने साधारण माथी आत्मा देवों से लेना है, ये कैसे मिले? शेष नहीं आया था रुक्मी चंदी तो एना गला में एक नीलमणि नो हार था, तो पूछो तो कितना लाखता है मिले है तो सब तो कह 3-4 लाख 5 लाख मिला है, पर गैरत भाई राजकोट वाला महामाणाल भाई झवेरी एने पूछा कि तो आ डोक में इनकी कीमत कितनी है वर्तमान, केनी कीमत में पार न मै कहता है 2 लाख कहते के इनकी कीमत में पार मै, आज तो बीजा कहना है कि हार लीला दिखे ऐसी लीली लिंबुली दिखे। छोटी छोटी लिंबुली लीलियम लील मिर्चाए का ये नीलमणि जैसे लगे, हाँ हा हा, ये चीज दूसरी है। एम विकल्प ने पर्याय ने भगवान आत्मा बिन कोई अलौकिक है प्रभु। हाँ तो ये कहा निज परम तत्व की वांछा न होने से निष्काम है। गजब बात है, निज परम तत्व की वांछा नहीं, क्या वांछा तो इच्छा है वस्तु में है नहीं। मोक्ष की इच्छा तो नहीं, संवरिजरा तो पर्याय की इच्छा नहीं, निज परम तत्व भगवान आत्मा उसकी वांछा का उसमें अभाव नाथ, तेरे में ही वांछा है नहीं प्रभु। तुम तो नाथ है ने, नाथ का अर्थ जिस चीज है उसकी रक्षण करते हैं, न मिले ऐसा तेरी पर्याय में
नई नई पर्याय मिलाती है जब उसकी दृष्टि करे तो नई नई आनंद की पर्याय। जोग नाथ इसको कहते हैं, जोग क्षेम को नाथ कहते हैं। जोग क्षेम का अर्थ मिली चीज की रक्षा करे, अनमली लिया मेल भी आते उसको नाथ कहने में आता है, नाथ की रक्षा है। आत्मा भगवान पूर्णानंद का नाथ है, आनंद कालना नहीं मलेली मलित मल मिलती आता है। ऐनी दृष्टि करते हैं ये भी वस्तु मिल जाती है। तेरी पर्याय में उसकी वस्तु मिल जाती है, वांछा करनी पड़ती नहीं। ऐसी एक चीज है, ये मूल चीज नहीं। भावना बिना, भावना तो आ गई है, उपशम सूक्ष्म क्षाय भाव उसके सन्मुख, ये भावना बिना ये मिलती नहीं। ये चीज भावना में, भावना में आया आया नहीं, भावना में ये चीज आई नहीं, भावना ये चीज में जाती नहीं, पर भावना से दृष्टि में आता है। अरे बात तो घनी बार कहिया है आई, नहीं तो हवा 45 वर्ष, 45 वर्ष हुआ जंगल में, 45 वर्ष फागण होती जाए है, फागण होती जे 46 होगा जंगल में है। और 45 वर्ष की उम्र में आया था, एक काम में चलते हैं, देह को जड़ को प्रभु को अनादि अनंत। ये चीज है वास्तविक, उसकी तो वांछा भी नहीं। परम तत्व की वांछा न होने से निष्काम है। गजब काम है, प्रभु तय न मोट मनी पार नहीं। प्रभु तुम तेरी महिमा, तेरी महात्म, तेरी महिमा का पार नहीं है, महात्म का पार नहीं है। शब्दों में उसको कैसे कहे, शब्द जवर भगवान चेतन, दुखी जात जुदी, दुखी जात में जड़ से आत्मा को कहना है। ये भाषा जिसको खबर नहीं कहीं चेतन है, छता भाषा में ताकत इतनी है, स्वपर कहने की ताकत है, रूह में स्वपर प्रकाश की ताकत है, वाणी में स्वपर कहने की ताकत है। अरे इसकी खबर नहीं उसको आत्मा है क्या नहीं, पर वे वाणी में स्वपर कहने की ताकत है। क्या किया है, भगवान आत्मा स्वप्न प्रकाश की वांछा जाना ही। जहां वाणी में शक्ति स्वपर कहने की है, स्वकीय ने पर की आत्मा है ऐसा कहने की शक्ति स्वतंत्र जड़ में है, आत्मा के काम से नहीं। सत्य ही चीज से तो प्रमुख भिन्न है, वांछा थी भिन्न है तो पीछे। निश्चय नहीं से प्रश्वस प्रश्वस, शुभ न शुभ राग, दया दान व्रत भक्ति पूजा काम करो निहिंसा झूठो चोरी विषय को उन्मान लो एवाजी प्रशस प्रशस समस्त परद्रव परिणाम का अभाव होने से
ये तो परद्रव्य का परिणाम है। आ सद्रव्य का परिणाम नहीं, स्वद्रव्य का परिणाम तो वितरागी आनंद, वितरागी आनंद ही स्वद्रव्य का परिणाम है। स्वद्रव्य को ध्यान में लेकर एकाकार होते तो पर्याय में वितरागी आनंद की पर्याय आती है। उसमें आ शुभ शुभ राग है नहीं और शुभ राग से प्राप्त होता नहीं। हाँ वो आते हूँ थोड़े श्लोक में, शुभ राग उत्तम दूसरा क्या करना, शुभ शुभ करे शुभ करना बापू शुभ बन। योगिंदर देव तो एम कहते हैं उसके श्लोक में, पाप पाप को तो शौक है पर अनुभवी जीव तो पुण्य में पाप कहे। योगिंद्र देव दिगंबर संत श्लोक है ना उसका, अपना आ गया श्लोक योगिंद्र देव का पुस्तक आ गया हमारा, पाप पाप को तो सौ कहे ये तो आखिरी दुनिया कहे पर अनुभवी जीव आत्मा ना अनुभवी जीव पुण्य ने पाप कहे। जैसे बोलागे प्रभु ये तेरे में है नहीं ने, तेरे में ने है नहीं मैं पाप है। आई प्रशस्व प्रशस्व राग शुभ शुभ राग असंग प्रकार का शुभ राग, असंग प्रकार का शुभ राग सांभलने का कहने का वाचने का प्रभु 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 प्रभु। ये विकर्म जे सब है ये तेरे में है नहीं नाथ, ये परद्रव्य परिणाम का अभाव होने के कारण निक्रोध निक्रोध अणगमो कुछ है नहीं। आप चीज का परिणाम दूसरा विभाव का असंग प्रकार विभाव है। अरे विभाव नामनी शक्ति आत्मा में है तो विभाव शक्ति का कोई कारण विभाव रूपे परिणाम ऐसा है नहीं, विभाव शक्ति तो सिद्ध में भी है, विभाव शक्ति का तो हेतु दूसरा जागर में ये शक्ति है नहीं, ये कारण से आत्मा में वो शक्ति है उसको विभाव कहा, पर है तो शुद्ध स्वभाव। अने ये शक्ति का स्वभाव निर्मल परिणाम होना ही स्वभाव है, निमित्ताधीन हो जाए तो विकार होता है, निमित्ताधीन न होकर अपना स्वभाव के अधीन हो जाए तो निर्मल धारा रहती है। ये कारण आत्मा में शुभ ने शुभ भाव परद्रव्य परिणाम का अभाव होने से, ये तो परद्रव्य परिणाम नो अभाव परद्रव्य परिणाम। कारण निक्रोध है निश्चय ने इसने सदा परम समरसी भाव रूप होने के कारण निश्चय से तो यथार्थ से तो वस्तु स्थिति से निश्चय नहीं नाम यथार्थ वस्तु स्थिति से वस्तु की मर्यादा से देखो तो प्रभु ने सदा परम समरसी भाव रूप होने के कारण त्रिका परम वितरागी स्वभाव सर्व होने के कारण निर्माण है। अं तो साधारण कहीं मले क्या मान
આવડતના સમજાને કા અરે પ્રભુ એ તો કરે ને નાદ સમજાને કા વિકલ્પ પણ દુઃખરૂપ હે સમાધિ શતક મેં તો એસા કહા સમજાને કા વિકલ્પ પાગલપણા હૈ એસા પાઠ હૈ સમાધિ શતક મેં પ્રભુ અંદર મહા ભગવાન બિરાજતે હૈ ઉસમેં સે નિકલના વિકલ્પ મેં આના પાગલ ક્રિયા હૈ સમાધિ શતક યોગેન્દ્ર હા હા પુજપા સ્વામી પાગલ હા હા મેં આ કહેતા હું મેં આ સમજાતા હું એસા અભિમાન પ્રભુ છોડી દે આત્મા મેં એસા હૈ નહીં એ પરદ્રવ્ય પરિણામ કા અભાવ હોને છે નિષ્કૃત મને સદા પરમ રસી ભાવ રૂપ પાછા સદા પરમ સમરસી ત્રિકાળ વિતરાગ ભાવ રૂપે હોને છે ભગવાન આત્મા ત્રિકાળ વિતરાગ સ્વરૂપ સમરસી ભાવ ત્રિકાળ હૈ ઉસમેં ખંડ ખમ કે અલ્પતા કે વિપરીતતા કે અશુદ્ધતા કભી હોતી નહીં એસા પરમ તત્વ એ પરમ રસી ભાવ રૂપ હોને કે કારણ નિર્માણ હૈ એસા હોને સે નિર્માણ હૈ ગજબ કામ કર્યું છે ને કુમકુંભાચાર કે મેં તો મેરી ભાવના માટે બનાયા હૈ એમાં ઓળી ટીકાકાર પદ્મધારી દેવ મળી ગયા હા એ તો એસા કહેતે હૈ કે એ વિકલ્પ ઉઠે પરદ્રવ્ય પરિણામ અરે પર્યાય પરદ્રવ્ય જીસમે સે પરદ્રવ્ય મેં સે જૈસે પરદ્રવ્ય મેં સે અપની નહી પર્યાય શુદ્ધ નિર્મલ નિર્મલ નહીં આતી એસે પર્યાય મેં સે નિર્મળ શુદ્ધ પર્યાય નહીં નહીં આતી એ કારણ એ પર્યાય કો તો હમ પરદ્રવ્ય કહેતે હૈ જેમ ભગવાન કો છોડકર દૂસરા દ્રવ્ય મેં સે આત્મા કી શાંતિ કી કે સંકેત કી કે જ્ઞાન કી કે ચારિત્ર કી પર્યાય નહીં હોતી સમજ મેં આયા પરદ્રવ્ય મેં જૈસા નહીં હોતી એસે અપની પર્યાય નિર્મળ હૈ નિર્મળ એ પર્યાય મેં સે પર્યાય નહીં હોતી પ્રભુ એ કારણે પર્યાય કો ભી પરદ્રવ્ય કે દિયા હૈ 50 મીગા થા વાત સાંભળવા મુશ્કેલ પડે બહારમાં ક્રિયા કાનમાં એવસા ઘૂંચ ગયા અહીંયા તો પરમાત્મા કહેતે હૈ એ ભગવાન કુમકુંડાચાર કહેતે હૈ એ નિર્માણ હૈ નીચે નહીં સે નિશેષ રૂપ સે અંતર્મુખ હોને કે કારણ સમસ્ત પ્રકારે પ્રભુ તો અંતર્મુખ હૈ પર્યાય મેં ભી આતા નહીં નિશેષ રૂપ સે અંતર્મુખ તો હોને સે તો અંતર્મુખ ચીજ દ્રંગ હૈ ધ્રુવ હૈ જીણી પડે પ્રભુ પણ આ મનુષ્ય પણ આ મેલા ચલા જાયગા નાશ હો જાયગા રાજકુમાર ને એને 20 કરોડ રૂપિયા
हिंदू उसको बेचारे ने पड़ गया साज समाचार में अत्यारे का ठीक से कहीं पर 20 करोड़ हूं क्या करे शरीर के पर्याय होने वाली जी समय ये होगी होगी ने होगी तेरा ध्यान राख ने ख्याल राख तो इस पर्याय फेरफार होगी ऐसा है नहीं क्रमबद्ध सदृह में क्रमबद्ध पर्याय की उस समय होने वाली होगी पर ऐसी दृष्टि जिसके है ऐसी दृष्टि द्रव पर उसको होती है विनायक जिसमें परम तत्व की वंशा भी नहीं ऐसा तत्व पर दृष्टि है ये कारण है कैसे निशेष रूप से अंतर्मुख होने से बहिर्मुख की पर्याय में भी आता नहीं ये तो अंतर्मुख तत्व है उक्त प्रकार का ऊपर कहे हुए प्रकार का विशुद्ध 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 दो प्रकार में वपराते हैं शुभ भाव में भी शुभ विशुद्ध वपराते हैं और शुद्ध में भी विशुद्ध वपराते हैं तो यहां तो शुद्ध में विशुद्ध कहना है विशुद्ध भाव शास्त्र में आते हैं शुभ भाव को विशुद्ध कहते हैं ये तो नहीं आत्मा आत्मा में ये है ही नहीं आत्मा विशुद्ध सहज सिद्ध नित्य निरावरण भगवान अंदर आत्मा नित्य निरावरण त्रिकाल निरावरण है विशुद्ध सहज सिद्ध स्वाभाविक सिद्ध वस्तु उत्पत्ति है नहीं नाश होने कोई आधार से उत्पन्न हुआ ऐसा है नहीं स्वतः सिद्ध ऐसी स्वतः सिद्ध ई सहज सिद्ध स्वतः सिद्ध ये स्वाभाविक सिद्ध एवं विशुद्ध स्वाभाविक सिद्ध नित्य निरावरण नित्य निरावरण है घूमट सार में ऐसा है ज्ञानावरण दर्शावरण करण योग में कर्म ना उदय में ऐसा होता है उदय में ऐसा होता है ये सब व्यवहार निमित्त की कथन है प्रभु वस्तु एक द्रव्य दूसरा द्रव्य में छूते नहीं तो दूसरा द्रव्य से दूसरा द्रव्य में कोई हो ऐसा है नहीं माई कहते हैं प्रभु तो नित्य निरावरण निज कारण समय सार का स्वरूप एज उपाधि है देखो बहुत समय लीला विशुद्ध विशेष शुद्ध श्रेयस सहज सिद्ध विशेष शुद्ध स्वयं सिद्ध स्वभाव सिद्ध स्वभाव से है नित्य निरावरण है भगवान आत्मा में नित्य त्रिकाल निरावरण होता है निज कारण समय सार ऐसा ये नित्य निरावरण स्वाभाविक सिद्ध वस्तु निज कारण समय सार पर्याय तो उत्पन्न होती है ये कहीं नित्य निरावरण नहीं नित्य निरावरण तो भगवान आत्मा ध्रुव ये उपाधि है ये निज कारण समय सार अपना निज कारण समय सार ये ना स्वरूप
उपाधि है, ये आदरणीय है, ये स्वीकार करने लायक है, ये सत्कार करने लायक है, उसमें सन्मुख होने लायक है। आओ जीवन पड़े तारगन दिए वो तारा चिन जाएगा सन क्या तारा चिन जाए नहीं निज कारण समय सार कैसा कैसा इसका स्वरूप आदि है। दृष्टि में आदरणीय ये एक चीज है, सम्यक दर्शन पर्याय है, ये पर्याय उसमें है नहीं, छता वो पर्याय में आदरणीय वो है, छता वो पर्याय में वो चीज में एक होती नहीं, पर्याय पर्याय पने रहते हैं, ध्रुव ध्रुव पने रहता है, ध्रुव में से मतलब पलटता होता ऐसा होता नहीं। केवल ज्ञान ध्रुव में से आवे तो पलटे नहीं, ध्रुव पलटे नहीं के कहा। ध्रुव पलटे नहीं, पलटने की पर्याय स्वतंत्र प्रकट होती है। ऐसा आत्मंद्र अरे भगवान तो खाने पड़े भी बात है प्रभु। बीजा ने एक काम लागे तो हमको खबर है घना प्रभु सम्यक एकांत है अने ये निश्चय नहीं मां सम्यक एकांत ये निश्चय नहीं है, सम्यक एकांत ये निश्चय नहीं है, प्रमाण नहीं है। सम्यक एकांत शुद्ध त्रिकाली भगवान विशुद्ध सर्व सहज स्वरूप तेज उपाधि है, ये एकांत सम्यक ज्ञान है। ऐसा ज्ञान हुए पीछे पर्याय का ज्ञान होता है तब प्रमाण कहने में आता है, तब प्रमाण कहने में आता है। प्रमाण का विषय दो है, द्रव्य त्रिकाली अने एक समय की पर्याय। शुद्ध नहीं का विषय एक है त्रिकाली द्रव्य, पर्याय नहीं का विषय एक है वर्तमान पर्याय। समझ में आते हैं, निश्चय नहीं का विषय सम्यक का ध्रुव एक रूप है, प्रमाण में आया है। एक समय के पर्याय का विषय व्यवहार नहीं का पर्याय ठीक का है, दो मिलाकर प्रमाण का विषय है, और प्रमाण का विषय आदरणीय नहीं। नई चक्र में लिया है कि प्रमाण पूज क्यों नहीं, कि उसमें पर्याय का निषेध नहीं होता माटी पूज नहीं। नई चक्र में भगवान आवा तो अंत नहीं है प्रभु। उसको नीचा भास होकर निकाल देना, ये तो नीचा भास है प्रणाम है प्रभु, ऐसा न करना। व्यवहार का स्थान में व्यवहार हो, व्यवहार नहीं है ऐसा नहीं, पर व्यवहार से अब होता है नीचे ऐसा नहीं, व्यवहार नहीं है ऐसा नहीं, नीचे ने व्यवहार दूर नहीं है, भगवान का उपदेश में दूर नहीं आया है। पहले भी किया था नींद सामने 85 का दूर नहीं है, पर एक नई का विषय आदरणीय, एक नई का विषय जाने लायक है।
पर्याय का विषय पर्याय नहीं, व्यवहार नहीं का विषय है, ध्रुव का विषय निश्चय का विषय है। धूमा अंश आया बे, धूम में एक एक अंश आया, भले ध्रुव है पर मुझे पर्याय बिना का माटे एक अंश गिनने में आया। प्रमाण का विषय में ध्रुव ने पर्याय दो आया, छता प्रमाण में पर्याय का निषेध नहीं होने से पूज नहीं। त्रिकाली चीज भगवान उपाधि है, ये पूज्य है। इसी प्रकार आचार्य देव श्रीमद अमृतचंद्र सूरी ने प्रवर्तन सारणी टीका में आठवां श्लोक द्वारा कहा, ऊपर नहीं, इति उच्छेदात्मक परिणति कर्तु कर्म भेद भ्रांति प्रदमसादपि सूचिरा लब्ध सुधात्म तत्व सचित मात्रे महसी विशदे मूर्छित अचेत मोयम स्वशत अचुत सहज महिमा सर्वदा मुक्त एवं मुक्त एव। आई तो प्रभु जन्म मरण रहित होने की बात है। अरे भले दुनिया न जने न माने, पर जिसमें जन्म मरण है ये चीज में तो नरक में निगोद भी आएगा। जैसे त्रिजंच में माता पिता में जन्म मरण होता है, ऐसे एक मेरी बेंद्री में नहीं होता है। ऐसे भी उत्पत्ति हो जन्म दे छुट जाए मरण, त्रियंज मनुष्य में तो माता पिता है ना, कुख में जाते रहते न सवालों महीना, त्रणलोक ना ना तीर्थंकर जेवापन, श्रेणी राजा निकलेगा माता ना पेट में सवा नो महीना रहेगा, ए तीर्थंग दूतर बांध्या पण ए भव रह्या। एकंदरी बहनरी तरंदरी को कोई माता पिता है नहीं, पण जन्म है नहीं ऐसा नहीं। जहां ये उत्पन्न होता है जन्म देश छूटता है मरण। भगवान आत्मा जन्म मरण में बाहर में दिखते हैं, माता ना पेट में आते हैं फिर जन्मते हैं दिखते हैं, पर वो चीज आत्मा की तो चीज नहीं। हा हा हा, याद है तने जन्म मृत्यु जरा आत्मा में है नहीं। हा हा, ऐसी दृष्टि हुई बिना चैतन का स्वीकार में सत्कार होता नहीं, उसका स्वीकार हुए बिना दूसरी कोई पण चीज की महत्ता आती है वैसे मिथ्याद भाव है। समझ में आया ये क्या? अमृतचंद्र आचार्य इस प्रकार पर परिणति के उच्छेद द्वारा पर परिणति नाम शुभ शुभ राग है ना उच्छेद किया। हो पर परिणति के उच्छेद द्वारा अर्थात परद्रव्य स्वरूप परिणमों के नाश द्वारा तथा कर्ता कर्म आदि भेद होने की भ्रांति उसे भी नाश द्वारा। मैं करता हूं पर्याय का, पर्याय मेरा कार्य है, पर्याय में रखी है, पर्याय का साधन पर्याय है, पर्याय पर्याय में से उत्पन्न हुई है, पर्याय का आधार पर्याय है, ऐसे है पर्याय में ऐसा सत्कारण है
पर मेरे में नहीं। ये कर्ता कर्मादि भेद होने की जो भ्रांति, उसके भी नाश द्वारा। पर्याय में सत्कारक परिणमन, अनंत द्रव्य में, दरेक द्रव्य में पर्याय में एक समय में होता है। समय जीठ सत्कार के परिणमन होता है। अनंत द्रव्य में, दरेक द्रव्य में, कोई काल मिना, दरेक द्रव्य में एक समय में सत्कार का परिणमन, पर वो द्रव्य में नहीं। कर्ता कर्म आदि भेद होने की जो भ्रांति, भगवान आत्मा राग का कर्ता, राग का भोगता, राग का नाश करता, ये भ्रांति है प्रभु। भ्रांति उसके भी नाश द्वारा अंत में जिसने शुद्ध आत्म तत्व को उपलब्ध किया है। सब वांछन किया, सब किया, श्रद्धा किया, पर अंतर में, अंतर तत्व में दृष्टि दिया, तब उपलब्ध हुआ। ये बिना आत्मा उपलब्ध होता नहीं। क्या जिसने शुद्ध आत्म तत्व को उपलब्ध किया है, ऐसा यह आत्मा चैतन्य भाव निर्मल तेज में लीन रहता हुआ। आत्मा जिसको प्राप्त हुआ सम्यक दर्शन ज्ञान आदि में, उसमें इसकी आत्मा में अपना ज्ञान में तेज में लीन रहता हुआ। राग का भी करता नहीं, छदमस्त है, राग आता है। पर कर्ता कर्म की भ्रांति से रही था। आत्म तत्व को उपलब्ध किया है, ऐसा ही आत्मा चैतन्य मात्र रूप निर्मल चैतन्य ज्ञायक जान प्रकाश, चैतन्य का पूर, पानी का पूर जैन त्रिछा चलते हैं, एमा चैतन्य पूर ध्रुव है, एम चलते हैं ऐसे दम है। विशद निर्मल तेज में लीन रहता हुआ अपनी स्वाभाविक महिमा के प्रकाश नाम रूप से सर्वदा मुक्त रहेगा। ऐसी उसकी ताकत है कि उसका जिसने स्वीकार किया इस सदा ही दशा में रहेगा, कभी उसको भवादि रहूंगा नहीं।